हिंदी पखवाड़ा 2022 की प्रतियोगिता के अंदर सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करता हूं और उन प्रतिभागियों को जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर विजेता बने उनको मेरी शुभकामनाएं बधाई। और जो प्रतिभागी इस बार विजेता नहीं बने अगले वर्ष पूरी निष्ठा के साथ पूरी तैयारी के साथ अपने के लक्ष्य बनाकर और प्रतियोगिता में विजेता हो उनके लिए मैं नए प्रयास करने के लिए उनको आग्रह करता हूं। साथियों, हिंदी पखवाड़ा हिंदी भाषा का उत्सव है। जिस प्रकार रंग और रूप की विविधताएं प्रकृति की सुंदरता है, उसी प्रकार भाषा की विविधता मानवीय संस्कृति की सुंदरता व्यापकता और गहराई प्रदान करती है। हम सभी जानते हैं कि भारत जितना विशालतम देश है, जितनी विविधताएं हैं उसमें भाषाई विविधताएं हैं। पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनाती है भाषाई विविधताएं। भारत की संस्कृति की मुख्य विशेषता है, क्योंकि भाषा न केवल अभिव्यक्ति और ज्ञान की माध्यम होती है बल्कि हमारी पहचान की प्रमुख आधार भी होती है। भारत की सभी भाषाएं समृद्ध है, इसलिए पुरातत्व समय भी और वर्तमान में भी अलग अलग भाषाओं के समृद्ध होने के लिए अलग अलग राज्यों के अंदर प्रयास होते हैं। और इसीलिए भारत के अंदर सभी भाषाएं का सम्मान होता है। अलग अलग राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं उनकी समृद्धता उनकी विविधताएं, अलग अलग राज्यों में लोग रहने वाले लोग अपनी भाषा पे गर्व करते हैं। भारत में तमिल भाषा हो, संस्कृत हो, मराठी हो, तेलुगु हो, जितनी भी हमारी भाषाएं हैं उनका अपना साहित्य है, अपनी शब्दावली है, उनकी अभिव्यक्ति के अपने तरीके हैं, मुहावरे हैं। और इसीलिए सभी भाषा भारत की आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। भाषा अलग अलग हो सकती है, अलग अलग प्रदेश के लोग यहां भी आए, सब घर में ऑफिस में अपनी अपनी भाषाओं की चर्चा करते हैं, बातचीत में करते हैं। भाषाएं भावनात्मक रूप से हमें जोड़ती है। अलग अलग प्रदेश के लोग आते हैं, जब अपनी भाषा में उस प्रदेश के लोगों से बात करते हैं तो उनका निकटता बनती है। और इसीलिए भावनात्मक रूप से भी हमारे जुड़ाव को भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए भारत में सभी भाषाओं का समान रूप से सम्मान किया है और सबकी समृद्धि के लिए व्यापक प्रयास किए गए। भारतीय संस्कृति शुरू से ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मानती है। विचारधारा में कार्यशैली के अंदर लोकतंत्र मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसलिए कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र प्राचीनतम लोकतंत्र है। हमारी कार्यशैली में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में
और इसीलिए भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं दुनिया के अंदर संदेश देती है। आज भी 17 देशों के 40 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी या प्राइवेट संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और एक प्रतिभागी ने अपनी चर्चा में कहा कि हम भारत के लोकतंत्र की संसदीय परंपराएं, नियमों, प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। कई देशों ने भारत की संसदीय परंपराओं, नीतियों, कार्यक्रम, यहां पर व्यापक चर्चा, संवाद, स्वतंत्रता, हमारी स्टैंडिंग कमेटी की होने वाली चर्चाएं, उसमें होने वाले सुझाव को कई देशों की डेमोक्रेसी संस्थाओं ने अपनाया। इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, दुनिया की सबसे बड़ा संविधान हमारा है, डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी के रूप में भारत की विविधताएं पूरी दुनिया के अंदर है और उसमें भाषा की विविधताएं भी विशेष महत्व रखती है। और इसलिए कहते हैं कि हर राज्य, हर राज्यों के अंदर भी हर 50 किलोमीटर पर भाषाएं, खान पान, रहन, संस्कृति, धर्म, हमारे व्यापकता, विशालता और उस व्यापकता, विशेषता, विविधताएं हमारे लोकतंत्र की ताकत है। इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम किस तरीके से अपनी अपनी भाषाओं में श्रेष्ठतम काम करें, लेकिन राजभाषा के रूप में जो हमारी अपनी भाषा जानी जाती है। दुनिया के किसी देश में जाएंगे और आप हिंदी में जब बात करेंगे तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप हिंदुस्तान से हैं। कई देश ऐसे हैं जहां आज भी हिंदी भाषी बोली जाती है और हमें लगता है कि वो बोलने वाले लोगों से हमारा अपना तो भावनात्मक अपना बन जाता है। तो भाषाएं भावनात्मक रूप से भी जोड़ने का काम करती है। और इसीलिए जब आजादी का आंदोलन हुआ तो आजादी के आंदोलन के अंदर भी तीन बातें, स्वभाषा, स्वदेशी और स्वराज, महात्मा गांधी जी ने एक राष्ट्रीय आंदोलन में राजभाषा को विशेष महत्वता दी। हिंदी की विशालता, विविधताएं होने के कारण इस आंदोलन में एक सशक्त नींव के रूप में हिंदी भाषा का भी बहुत बड़ा योगदान हुआ। हर राज्य में स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, उनकी भाषाओं के अंदर उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन विश्वव्यापी था, विशाल था और उस आंदोलन के कारण कई भाषा, कई रहन सहन के बीच में हमारी आंदोलन में कोई टकराव नहीं हुई। ये हमारी विविधताएं हमेशा रही है। इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने भी जब संविधान निर्माण किया तो संविधान में 343 अनुच्छेद में हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा मानकर इसका गौरव प्रदान किया था। इसीलिए हम सब लोग यहां पर पार्लियामेंट में, जहां विविधताएं हैं, विशालताएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों से चुन के जनप्रति आते हैं और वो अपने अपने क्षेत्र की भाषाओं में बोलने की उनकी अभिव्यक्ति की आजादियां हैं। इसलिए संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, उन 22 भाषाओं के अंदर हमारे चुने हुए मान्य सदस्य संसद में बोल सकते हैं और ये भारत के अंदर संसदीय है जहां 22 भाषाओं का रूपांतरण होता है और ये सभी व्यक्ति से होता है। ये भारत की संसद की अपने आप में विशेषता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी भाषाओं के, जो कुछ भाषाओं के यहां पर नहीं, उनको भी
आप भी उसमें सहयोग करें कि किस तरीके से उस भाषा में रूपांतरण करने वाले अनुवादकों को यहां पर रखा जाए। लेकिन कोई 5 मिनट पहले भी बताता है कि मुझे मेरी भाषा में बोलना है। अब मैंने तो संसद में कई बार कई माननीय सदस्यों का आग्रह पूर्वक किया कि आप अपनी भाषा में बोलो, और उनको भी अच्छा लगा कि वो अपनी भाषा में बोलते हैं तो उनके राज्य में संवाद हो जाता है। इसलिए हमने सभी भाषाओं का सम्मान हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर है, और इसीलिए जब आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस समय जहां हमारा ये प्रयास है कि हम आत्मनिर्भर भारत बने, स्वावलंबन हमारी ताकत बने, और इस दिशा के अंदर आत्मनिर्भर और स्वावलंबन में यह आजादी का अमृत महोत्सव हमारे लिए संकल्प का पर्व है। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में दुनिया के अंदर जिस तरीके से भारत तेजी से हर क्षेत्र के अंदर नए आयाम स्थापित कर रहा है, आने वाले समय में हम आर्थिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी बदलते हुए इस भारत की तस्वीर को देख रहे हैं। और 100 साल जब हमारे आजादी के होंगे तो दुनिया के अंदर आर्थिक और सामाजिक रूप से भारत सशक्त होगा, और डेमोक्रेसी के साथ साथ कई क्षेत्रों में नेतृत्व करेगा और दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। इस अमृत काल में राष्ट्र निर्माण में हमारे हिंदी भाषा का भी विशेष रूप से योगदान है, और मुझे खुशी है कि आप सब ने अपनी दिनचर्या के अंदर राजभाषा का प्रयोग व्यापकता से करना शुरू किया है, और कई प्रतिभागी कर्मचारी हो अधिकारी जो अलग अलग प्रदेश से आए हैं जिनकी हिंदी मूल भाषा भी रही, उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेकर और विजेता प्राप्त किए, और हिंदी प्रदेशों से ज्यादा बेहतरीन संवाद उन्होंने हिंदी में किया है, उनको भी मैं विशेष रूप से बधाई दूं। हमारा सचिवालय भी, हमारे अधिकारी और कर्मचारी भी हिंदी भाषा में बेहतरीन काम करने लगे हैं, और हिंदी में सहज सरलता के रूप में हम दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, ये हमारा प्रयास है। इसी के साथ आपको विशेष रूप से हिंदी पखवाड़े की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई, और जो प्रतिभागी विजेता हुए उनको शुभकामनाएं बधाई, और जो प्रतिभागी हिस्सा तो लिए जो विजेता नहीं हुए उनके लिए मेरी शुभकामनाएं कि अगली बार वो विजेता होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।